दोस्तों, हमसे कई लोगों ने ये पूछा कि क्या हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन इस प्रकार के ई कॉमर्स पोर्टल पे भी क्या सीओडी कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। आइए आज हम इसे करके दिखाते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन में प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्लिपकार्ट को करना है, इसलिए हम फ्लिपकार्ट को जाके ओपन कर लेते हैं। अकाउंट मेरा फ्लिपकार्ट में पहले से है, इसलिए जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो मैं अपने अकाउंट से ही लॉगिन कर चुका हूँ। फिलहाल मैं एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस प्रोडक्ट लिस्टिंग्स होती हैं जहाँ पे आप चीज़ों को सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं। आइए आज छोटा सा एक पेंसिल बॉक्स या पेंसिल जैसा कोई एक आइटम खरीद के सीओडी, जो कैश ऑन डिलीवरी होता है, उस चीज़ को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेंसिल जो है करीब 290 रुपये का है और मैं फिलहाल इसको डायरेक्टली बाय करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अमाउंट पेबल, एक बार उसका टैक्सेस, पैकिंग, सब कुछ लगने के बाद 319 रुपये हो रहा है। मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि हम पेमेंट वाले पेज पे चले आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, भीम यूपीआई या यूपीआई या नेट बैंकिंग मैकेनिज्म कह लीजिए। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आप देखेंगे कैश ऑन डिलीवरी भी है, यानी कि सामान डिलीवरी होने पर ही मैं कैश दूंगा, यानी मैं पहले कोई पेमेंट नहीं कर रहा। तो अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी इस प्रकार सेलेक्ट करके और फिर प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कैप्चा इमेज आया यहाँ पे। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, आप सिर्फ कैप्चा इमेज डालोगे और कंफर्म ऑर्डर कर दोगे और ये आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ही आप जो है कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे भी, और इसी प्रकार आपका ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है और बस बाकी सारी चीज़ें तो जैसे कि हैं वैसे ही रहते हैं। एक बार जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया, फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो, आप ऑर्डर को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आप कहाँ आप जाओगे, एक छोटा सा ग्रिड बना हुआ, वहाँ से माई ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है। तो आपका ऑर्डर जैसे कि यहाँ पे पेंसिल बॉक्स है, तो आप यहाँ से अपने ऑर्डर को पूरा ट्रैक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो वो सारी चीज़ आप यहाँ से जान सकते हो। तो आज का बस ये ट्यूटोरियल इसलिए था कि काफ़ी लोग हमसे ये जानना चाहते थे कि स्विगी, जोमैटो के बाद क्या हम फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे एप्लीकेशंस में भी क्या सीओडी कर सकते हैं। तो जी हाँ, कई दफ़ा आप पाओगे कि आप ये ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बड़े आइटम्स के लिए सीओडी अवेलेबल नहीं होता। तो अगर डिजेबल्ड है बटन, तो आप ये समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर आइटम के लिए सीओडी अवेलेबल नहीं है, वरना अगर है तो कुछ इस प्रकार ही आप सारी चीज़ें करेंगे। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आप जो भी अपना आइटम है वो आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। आइटम सेलेक्ट करने के बाद उस आइटम को आप जब खरीदेंगे, खरीदते हुए जब आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, तो पेमेंट ऑप्शन में आप पाएंगे कि बाकी सारे ऑप्शन के साथ एक कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी ज़रूर रहता है। उस समय प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपने देखा था कि एक छोटा सा कैप्चा, यानी कि आप रॉबर्ट नहीं है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाता है और नंबर डालने के बाद आपका ऑर्डर जो है प्रोसेस हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपका कैश ऑन डिलीवरी का एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट पे आसानी से हो सकता है। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो ज़रूर हमें लाइक सब्सक्राइब करें, और हाँ, हम इस प्रकार के ट्यूटोरियल्स और भी बनाते रहेंगे जिससे कि ओल्ड सिटीजन्स, एल्डरली पीपल और जो भी कोई नया हो और जिसे टेक्नोलॉजी से थोड़ा घबराहट हो रही हो, इन ट्यूटोरियल्स को देख के वो भी काफ़ी वाकिफ और काफ़ी वेलकम महसूस कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं अमनान आप सबसे अलविदा लेता हूँ।